देश के सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर के भारत में विलय को आज 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन साल 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के लोग हर साल विलय दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी रोज 1947 में यहाँ के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने अपनी रियासत के भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसे मंजूरी दी। विलय पत्र का खाका हूबहू वही था जिसका भारत में शामिल हुए अन्य सैकड़ों रजवाड़ों ने अपनी अपनी रियासत को भारत में शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया था। ना इसमें कोई शर्त शुमार थी और ना ही रियासत के लिए विशेष दर्जे जैसी कोई मांग। इस वैधानिक दस्तावेज पर दस्तखत होते ही समूचा जम्मू कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला इलाका भी शामिल है, भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसके बाद पठान हमलावरों को खदेड़ने के लिए 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने सेना भेजी व कश्मीर को भारत में विलय कर अभिन्न अंग बनाया। 6 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर संविधान सभा ने जम्मू कश्मीर के भारत में विलय का अनुमोदन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कई दशक